और एक बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज की बात कर लेंगे। असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर खतरा मंडरा रहा था और ऐसे में राहुल की न्याय यात्रा में हंगामा हुआ था। इस पर राहुल गांधी की ओर से और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आशंका जताई गई है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर एक चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी लिखी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को चिंता जताते हुए इस पर चिट्ठी लिखी गई है। असम में सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। हंगामा जमकर बरपा था राहुल गांधी की यात्रा में, भीड़भाड़ इकट्ठा हुई थी और वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला था। और इस बीच ऐसे में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर चिंता जताई जा चुकी है और अब इस हंगामे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए एक बड़ी चिट्ठी लिखी गई है। असम में न्याय यात्रा के दौरान आपको बताएं कि हंगामा हुआ था और इस हंगामे के बाद से ही कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जो कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमले की आशंका या फिर वहां पर अफरा तफरी की आशंका जताते रहे हैं, हंगामा जबरदस्ती करवाने का भी आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से अब गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई है। असम में सुरक्षा को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है और असम में न्याय यात्रा के दौरान हंगामा जिस तरीके से हुआ है उस पर चिंता भी व्यक्त की गई है। देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं और भीड़ में किस तरीके से अफरा तफरी मच गई है। अरुण हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अपडेट है? देखिए, गृह मंत्रालय को और गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और उसमें उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। राहुल गांधी के कार्यक्रमों को जिस तरह से प्रदेश सरकार अनुमति नहीं दे रही है या फिर पुलिस सामने आ जा रही है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आ जा रहे हैं, इस बात को लेकर चिंता जताते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी चेक प्रोटेक्टी है लेकिन उनके पास तक कई कार्यकर्ता पहुंच गए थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक रूप से भी इसका विरोध किया था और जयराम रमेश और राहुल गांधी दोनों ने गृह मंत्रालय की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे, असम के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए थे और असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी पर FIR दर्ज किए जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने हस्तक्षेप किया है और गृह मंत्री से इस बात की गुहार लगाई है कि न सिर्फ असम में राहुल गांधी और भारत छोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए बल्कि खुद राहुल गांधी की भी पर्सनल सिक्योरिटी को भी जबरदस्त मॉनिटर करने की जरूरत। पॉलिटिक्स तो कांग्रेस भी कर रही है ना, बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगाना कि न्याय यात्रा को जानबूझकर रोकने की ये कोशिश है, ये साजिश है और वहीं दूसरी तरफ चिट्ठी लिखना अमित शाह को। अब एक मिनट में आपको रोक रही हूँ, अमित पांडे का मुझे रुख करना है, उनके पास भी इस वक्त की कोई बड़ी अपडेट है। अमित, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर और असम यात्रा जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से उनका मूवमेंट उसको लेकर, और ये मांग की है कि जो सुरक्षा उनको दी जा रही है उसको और पुख्ता की जाए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कल असम पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के आदेश पर सख्त कार्रवाई की, इसके बाद खड़गे ने यह चिट्ठी लिखी है। तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर ये चिट्ठी लिखना इस बात की ओर इशारा करता है कि अब उनकी यात्रा को लेकर जो राजनीति है और ज्यादा गर्म हो रही है और विपक्ष को राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला दर्ज हुए हैं उसको लेकर हमलावर होने का बड़ा मौका यह मिला है। अमित, इसके पहले आरोप राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ये भी लगा था कि जो रूट प्लान करके उन्हें दिया जाता है उसके ऊपर वो नहीं चलते हैं, रास्ता बदल देते हैं, ऐसा आरोप भी लग रहा था। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर चीफ मिनिस्टर ने हिमंता बिस्व शर्मा ने DGP को ऑर्डर किया था जिसके बाद असम पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी और अब जिसको लेकर अब खड़गे ने ये चिट्ठी लिखी है। तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है इस प्रकरण को लेकर पक्षों चाहे विपक्षों दोनों नेताओं के बीच में बयानबाजी, इस तरीके की कार्रवाई। अमित, राहुल गांधी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, भीड़ में वो जा रहे थे और उनको कुछ रूट निर्धारित किया गया था, उस रूट पर चलने की बजाय वह दूसरे रास्ते से जा रहे थे तो नियमों का हवाला देकर मुख्यमंत्री ने DGP को आदेश दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने उस तय रूट का पालन नहीं किया है, तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है, जिसके बाद कल पुलिस ने FIR दर्ज और अब आज अध्यक्ष ने गृह मंत्री को यह चिट्ठी। शुक्रिया अमित।
तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्याय यात्रा पर हंगामा और खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, लेकिन आरोप इस बात का लगाया जा रहा है कि जो तय रूट होता है, जहां परमिशन दी जाती है, राहुल गांधी उस रूट से भटक जाते हैं, जिससे कि न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है।